بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अनआम आयत नंबर 133-136 इंशाल्लाह देखते हैं, और कुछ इसमें जो है इंशाल्लाह अल्लाह सुभान ताला ने कुछ बिदत का जो है वो ख़ुलासा किया है। बहुत सारी जो रसूमात आज मुसलमानों ने अपना ली है उसके बारे में बातें होंगी इंशाल्लाह इसके अंदर, देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, और आपका रब बहुत गनी है, बड़ी रहमतों वाला है। अगर वो चाहे तो हटाते तुम्हें और वो जानशीन बनाए तुम्हारे बाद जिसको वो चाहे, जैसा कि उसने उठाया तुम्हें नस्ल से, पिछले लोगों की नस्लों में से। आयत नंबर 134। इन्नमा तुअदून लआतिं वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। बेशक जो तुमसे वादा किया जा रहा है ज़रूर वो आकर रहेगा, और नहीं तुम उसको आजिज़ कर सकोगे। यानी अल्लाह सुभान व तआला का जो वादा है वो पूरा होकर रहता है। आयत नंबर 135। قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ। اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, आप कह दीजिए, ऐ मेरी कौम, अमल करो तुम्हारी जगह पर, यानी कि तुम्हारे तरीक़ों पर, बेशक मैं भी अमल कर रहा हूँ। फिर ज़रूर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन है वो जिसके लिए आखरत का घर है। बेशक अल्लाह नहीं वो कामयाब होने देता है गुनहगार लोगों को। आयत नंबर 136। وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ। और बना लिया उन्होंने, ठहरा लिया उन्होंने अल्लाह के लिए उसमें से जो उसने पैदा किया है, खेती में से, मवेशियों में से हिस्सा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है, और अपने ही मन में, और ये हिस्सा हमारे शरीकों के लिए है। फिर जो होता है उनके शरीकों का हिस्सा तो वो नहीं पहुंचता है अल्लाह को, लेकिन जो होता है अल्लाह के लिए हिस्सा तो वो ज़रूर पहुँच जाता है उनके शरीकों को।
अल्लाह सुभान तआला फरमाते हैं, क्या ही बुरा फैसला है जो वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा हमने कि अल्लाह सुभान तआला किस तरीके से बता रहे हैं कि जन्नत में दर्जात होंगे। बात अल्लाह सुभान तआला ने इतनी बात करके ये बता दिया। अब देखिए कि जिन लोगों को नियामतों में पलने की आदत हो जाती है ना, नियामतें इस्तेमाल करते हैं अल्लाह सुभान तआला की, देन उसकी आदत हो जाती है, तो बताइए कि उस शख्स को कितनी ज्यादा जो है वो मेहनत करने की जरूरत है, ऐसे अमाल करने की जरूरत है कि अल्लाह सुभान तआला उसको जन्नत के दर्जात अता करे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो अमाल से मैं गाफिल नहीं हूँ और आपका रब जो है वो बहुत गनी है और बड़ी रहमत वाला है। यस, अल्लाह सुभान ताला की जात ऐसी है कि तुम जो अमाल करोगे, तुम जो यहाँ पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे या कुछ भी जन्नत हासिल करने के लिए करोगे, अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत गनी है और बड़ी रहमत वाला है। और अगर कोई नहीं मानता है तो उसे खौफ आना चाहिए, जो कि अल्लाह सुभान तआला आयत नंबर 133 में बता रहे हैं, इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो तुम्हें हटा दे और वो जानशीन बनाए तुम्हारे बाद जिसको वो चाहे, जैसा कि उसने उठाया तुम्हें मिन ज़ुर्रियती नस्ल से, यानी तुम्हारे जो पिछली नस्लें हैं, पिछले के लोग हैं, उनमें से तुम्हें अल्लाह ने उठाया है। तो हर इंसान को देखिए कि खौफ ये आना चाहिए कि आज अल्लाह सुभान ताला ने उसे कुछ मकाम अगर अता किया है, या अल्लाह सुभान ताला ने उसे बहुत सारी दुनियावी ऐशो आराम दिया है, तो वो ये ना सोचे कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर तुमने आज अल्लाह की दीवी जिंदगी का, अल्लाह की दीवी नियामतों का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह सुभान ताला तुमसे वो नियामतें ले लें, तुमसे तुम्हारी पोजीशन को जो है वो छीन ले और तुम्हारी जगह पर किसी और को लाकर खड़ा कर दे। इस आयत पर अक्सर अक्सर मैं अपने थॉट्स बताऊं तो मुझे बड़ा खौफ आता है। जरा सा अगर देखे कि मैंने अल्लाह के रास्ते से या अल्लाह के कलाम से लापरवाही की, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई नहीं, मैं आपकी क्लास नहीं ले सकती, नहीं मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, तो अल्लाह सुभान तआला का तो बिल्कुल यही रवैया है अपने बंदों के साथ और यही सिस्टम है अल्लाह सुभान तआला का कि भाई तुम रूठे तो हम छूटे जाओ, तुम्हें नहीं करना है कोई बात नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी जगह किसी और को ला के बिठा दूंगा। देखिए अल्लाह सुभान तआला अपने दीन का काम किसी ना किसी से ले लेंगे, नुकसान बंदे का होता है, उसके अमाल में कमी, उसके आखरत में, उसके जजा में कमी हो जाती है। ये इंसान को सोचना चाहिए, कोई इंसान ही ना सोचे कि वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो यानी कि मेहनत कर रहा है तो वो अल्लाह का जो है वो कुछ बना रहा है, बिगाड़ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा तो कभी भी इंसान को जो है वो इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। या अल्लाह सुभान तआला ने उसको अगर कोई पोजिशन, कोई ओहदा, कोई स्टेटस दिया है उसकी जिंदगी में, तो उसका सही इस्तेमाल कर ले। क्योंकि देखिए पिछले कौम के बारे में अल्लाह ताला ये बोल रहे कि पिछले लोग ऐसे थे, उसमें से मैंने तुम्हें जो है वो अब मैंने तुम्हें जानशीन बनाया है। जानशीन किसको कहा जाता है? टेम्पररी बेस पे खलीफा जानशीन जो बोलते हैं ना, टेम्पररी बेस से अल्लाह सुभान तआला ने इस अपनी जमीन पर इंसानों को कुछ इख्तियार दे दिया है, कुछ अथॉरिटीज दे दिए, जाओ भाई ठीक है अपनी मर्जी की जिंदगी तुम जी लो। अगर उस इंसान ने अपनी जिंदगी का और अल्लाह की दीवी नियामतों का और स्टेटस का सही इस्तेमाल किया तो कामयाब हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया तो फरिश्तों से ये कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा इसलिए कहा क्योंकि खलीफा की ड्यूटी चेंज होते रहती है, उसका स्टेटस, उसकी पोजिशन चेंज होते रहती है, उसको हमेशा के लिए दुनिया में अल्लाह ने नहीं भेजा है कि जाओ तुम हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलेगी, नहीं। क्योंकि देखिए हमेशा की जन्नत ना खत्म होने वाली जिंदगी तो खैर आखिरत की है, जन्नत की है, और ये जगह अल्लाह सुभान तआला ने हमें स्ट्रगल के लिए जो है वो भेजा है, बनाया है, और कि इंसान जो है वो यहाँ रह के अल्लाह के नाफरमानियों से जो है वो बचता रहे। क्योंकि देखिए कि हर वो चीज जिसमें अट्रैक्शन रख दी गई है, आजमाइश है उसके अंदर। कोई भी चीज आप ले लें, मर्द के लिए औरत आजमाइश है, औरत के लिए मर्द आजमाइश है। अब देखिए कि एक दूसरे में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखा है, लेकिन फिर उसके बाद आजमाइश ही रख दिया कि भाई तुम अपनी निगाहों को या अपने जो है असमत को, अपनी इज्जत को कितना बचा के रखते हो। उसी के साथ साथ देखिए कि अल्लाह सुभान तआला ने दुनिया में
हालांकि एक कशिश रख दी है, एक अट्रैक्शन रख दिया है, लेकिन आजमाइश है कि दुनिया में मैंने तुम्हें जो कुछ दिया उसका सही इस्तेमाल किया नहीं किया। माल में अट्रैक्शन है, गाने बजाने में अट्रैक्शन है, लेकिन आजमाइश है कि मना फरमा दिया, नहीं सुनना है तुम्हें। इस तरीके से कितनी ऐसी चीजें कि तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें अगर माल दौलत दिया है तो माल दौलत है अट्रैक्शन, उसको यूज करो, उसको खाओ पियो, लेकिन इसराफ मत करो, ये एक मना फरमा दिया गया है। तो जिस चीज में, दुनियावी चीज में, जहां पर आपको, जिस चीज में आपको अट्रैक्शन रखी गई है, वहां पे आजमाइश है डेफिनेटली। ठीक है, फिर अल्लाह ताला वही हम मुझे और आपको समझा रहे हैं, इन्नमा तू अदून लात, बेशक जो तुमसे वादा किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो आकर रहेगा। और ये किसकी बात है? ये है कयामत की बात, ये आखिरत की बात है कि अल्लाह सुबहाना ताला कह रहे हैं कि तुमसे ये वादा किया जो जा रहा है ये डेफिनेटली आकर रहेगा। वमा अंतुम बिमुजिज़ीन, और तुम उसको आजिज नहीं कर सकोगे, तुम उसको हरा नहीं सकोगे, पीछे नहीं कर सकोगे। किसको? कयामत को, जो अल्लाह सुबहाना ताला ने जब उसका फैसला किया है, ऑन दैट टाइम वो आकर ही रहेगा। इतनी तमाम बातें बताकर अल्लाह सुबहाना ताला कह रहे हैं, कुल या कौमी इमलू अला मकानातिकुम इन्नी आमिल। यस, कोई बहसो मुबहसा नहीं, किसी भी तरीके की कोई बहस नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कह दिया कि आप कह दें, ए मेरी कौम, उम्मत मुहम्मदिया है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और उनकी कौम। चलो भाई, क्या कहने को कहा जा रहा है? ठीक है, जाओ अमल कर लो तुम्हारे तरीके पर, तुम्हें जिस तरीके पर अमल करना है तुम कर लो, इन्नी आमिल, मैं भी अमल कर रहा हूँ। ठीक है, फसौफ तालमून मंग तकून लहू आकिबतुद्दार, जाओ भाई, फिर जरूर तुम्हें लग पता जाएगा, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन है जिसके लिए है आखिरत का घर, ये आखिरत का अंजाम किसके लिए बेहतर है। और ये भी सुन लो, इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, बेशक अल्लाह नहीं कामयाब होने देता है गुनहगारों को। एट लास्ट देखिए कि बिल्कुल एक दाई दीन को यही जवाब देना पड़ता है जो अल्लाह सुबहान ताला ने समझा दिया है। आप दावत का काम करते रहें, आप लोगों को समझाते रहें, गलत सही क्या है वो बताते रहें, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा ना कि आप जो है वो उसको जिक्र करते रहें, उसका नसीहत करते रहें। क्यों नसीहत करते रहें? कुरान के जरिए, ताकि कोई इंसान अपने किए कराए में फंस ना जाए कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा करना है वैसा करना है। अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि सब बताने के बाद भी अगर कोई नहीं सुनता है तो एट लास्ट आपको ये कहना, ठीक है भाई जाओ, तुम्हें जिस चीज पर अमल करना है कर लो, मैं भी अमल कर रहा हूँ, मुझे जो हुक्म दिया गया है मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो ठीक है जाओ तुम्हारे तरीके पर अमल कर लो। और एट लास्ट यानी कि कयामत के दिन तो सबको पता चल जाएगा कि अच्छा अंजाम किसका होता है। तो देखिए कि जिन आमाल की गारंटी या श्योरिटी अल्लाह सुबहान तआला ले रहे हैं, तुम ये करो ये करो ये करो तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, तो अकलमंद बंदा तो वही होगा ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर कि अल्लाह का हुक्म क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तमाम बातें हमें पता चल गई हैं, और फिर भी अगर बंदा ना उस पर अमल करे तो बेवकूफ है वो। और ये भी कह दिया गया है कि आखिरत का अंजाम किसका होगा, ये भी तुम्हें लग पता चाहेगा। और अल्लाह ताला जालिमों को जो है वो कामयाब नहीं होने देते, यानी कौन सी कामयाबी की तरफ बात हो रही है? आखिरत की कामयाबी। दुनिया की कामयाबी देखिए कि टेम्पररी बेस पे होती है। कोई इंसान अगर सक्सेस हो भी गया, उसकी लाइफ सक्सेस हो गई, सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, कहाँ तक ये काम आएगा? उसका सक्सेस, उसका स्टेटस, उसकी दौलत, उसका माल, उसकी औलाद कहाँ तक उसे काम आएगी? बस जब तक सांसें चल रही है उसकी, जब तक वो लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन आखिरत का अंजाम, ये आकिबतुद्दार जो अल्लाह ने कहा है कि ये किसके लिए, ये घर अल्लाह ने बनाया है, ये बेहतरीन अंजाम किसके लिए है, ये तुम्हें सब पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद देखिए कि अगली जो आयत है, मैंने कहा था ना आपको कि ये सूरह अनआम में आपको शिर्क और तौहीद के बहुत सारे पहलू नजर आएंगे। सूरह अनआम देखिए कि अगर जिसने वाकई जिस तरीके से इसको समझना चाहिए उस तरीके से उसने समझ कर अगर इसका हक अदा कर दिया तो यकीन मानिए कि बहुत कुछ समझ जाएगा वो। शिर्क की ऐसी ऐसी मिसालें इसके अंदर दी गई हैं। अब यहाँ पर मक्का वालों की एक आदत बताई जा रही है,
और यकीन करिए कि आप ये मत सोचिए इस आयत को आप जो है वो बिल्कुल 1450 साल पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। आज हमारे समाज में, मुसलमान कल्चर में कुछ लोगों ने इस चीज को अपना लिया है और ये इतनी बड़ी बेवकूफी है ना, बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो क्या बेवकूफी है देखते चलिए। आयत नंबर 136 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये मुश्रिकान मक्का की कुछ बिदअत और उनकी आदतों की तरफ इशारा करके, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذِهِ لِلَّهِ اوہو وَزَعَامِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا۔ कहते थे कि इन्होंने ठहरा लिया अल्लाह के लिए उसमें से जो पैदा किया इनकी खेती ने, और मवेशियों में से एक हिस्सा उन्होंने बना लिया, और क्या कहते थे, कहा कि ये अल्लाह के लिए हिस्सा है, अपने ही गुमान में, अपनी मनमानी में, अपने ही मन में ये कहते थे, वहाज़ा लिशुरकाइना, और ये हमारे शरीकों के लिए हिस्सा है। अब क्या होता तब थे? होता ये था, फमा काना लिशुरकाइहिम फला यसीलु इलल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर जो होता था उनके शरीकों का हिस्सा तो वो नहीं पहुंचता था अल्लाह को, वमा काना लिल्लाही, लेकिन जो होता था अल्लाह का हिस्सा तो वो तो पहुंच जाता था इनके शरीकों को। सा मा यहकुमून, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या है बुरा फैसला है जो ये करते हैं, क्या है ये बात। ये बात ये है, समझे कि इन लोगों की आदत हुआ करती थी कि ये लोग क्या करते थे, इनकी खेती बाड़ी में से अगर, क्योंकि उस टाइम में देखे कि यही चीजें उनकी कैपिटल हुआ करती थी ना, खेती बाड़ी के उनके जो प्लॉट हुआ करते थे ना, तो उसको तीन हिस्से में डिवाइड कर देते थे। पहला हिस्सा यानी कि हिस्सा, अब देखिए जरूरी नहीं कि सारी जमीन एक जैसी हो ना, सारी जमीन पे एक जैसी फसलें उगे, अच्छी भी उगती हैं खराब भी उगती हैं। अच्छा, एक प्लॉट बोलते थे ये अल्लाह के नाम पे, यानी इसमें से जो भी खेती होगी ना वो सारा का सारा हम अल्लाह के नाम पर, फिर सबिल्ला सब दे देंगे, सब अल्लाह के नाम पे दे देंगे, ठीक है चले भाई। दूसरे जो प्लॉट होता था, दूसरा जो हिस्सा होता था, उसको सेल्फ के लिए रखते थे, खुद के लिए, कि हमारे अखराजात जो होंगे हम इसमें से पूरा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो हमारी जरूरत है जिंदगी उसको पूरा करेंगे, ठीक है चले। एक और हिस्सा वो लोग रखते थे और अपने शरीकों का, बुजुर्गों के नाम पे, बुतों के नाम पे, पीरों के नाम पे, यू नो इस तरीके से, वलियों के नाम पे, कि इसमें से जो खेती आएगी हमारे बुतों के नाम पर, वलियों और बुजुर्गों के नाम पर हम इसको जो है वक्फ करेंगे, ठीक है चले। होता क्या था, ये तो हो गया हिस्सा जो अल्लाह सुभान व तआला बता रहे हैं कि इनके जो है, चाहे वो उनकी खेती हो या फिर मवेशियों में से, यू नो मवेशी का आगे एग्जाम्पल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पहले खेती का पढ़ लेते। तो इस तरीके से खेती की जो ऐसी प्लॉटिंग किया करते थे। चले होता क्या था, फिर ये अल्लाह ताला बता रहे पमाकान अली शुरकाई, फिर जो उनके शुरका के लिए होता था ना वो अल्लाह ताला को कभी नहीं पहुंचता था। फॉर एग्जाम्पल कि समझिए कि अल्लाह के नाम पे उन्होंने जो प्लॉट फिक्स किया है उस पर कोई भी खेती नहीं हुई या अच्छी खेती नहीं हुई, तो बोलते थे ओहो देखो ना ये अल्लाह के नाम की जो जमीन थी इस पे तो कुछ हुआ ही नहीं, चलो छोड़ो जाने दो। और ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनके शुरका के लिए जो होता था वो कभी भी अल्लाह को नहीं पहुंचता था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड है। देखिए अल्लाह के नाम पर अगर खेती नहीं आती थी तो शुरका के प्लॉट में से कभी भी अल्लाह के नाम पे नहीं देते थे, लेकिन शुरका के प्लॉट पे अगर खेती नहीं हुई या फिर उनको ज्यादा गल्ला नहीं मिला या प्रॉफिट नहीं मिला, तो अल्लाह के नाम पे प्लॉट, अल्लाह के नाम पे जो प्लॉट था उसमें से वो लोग, नहीं नहीं अल्लाह को नहीं देंगे तो चलेगा भाई, हमारे हमारे जो वलियों को, बुजुर्गों को और पीरों को हम नाराज नहीं कर सकते, हमारे बुतों को हम नाराज नहीं कर सकते, इनको तो देना पड़ेगा, इनको तो कंपल्सरी देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, सोचे जरा, है ना कितनी बड़ी बेवकूफी इंसान की। जो रब दे रहा है तुम्हारे पास उसके लिए नहीं है, और जो इंसान इन्हें के बिला वजह एक चीज पर गुमान, और अल्लाह ताला बोल रहे बिज़ामिहिम, ये उनके ख्याल में था, अल्लाह ने इसकी कोई परमिशन नहीं दी थी, ये उनके ख्याल में था। और देखिए कि अक्सर करके अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि जब अक्सरियत इनकी ये काम क्या करती थी, तो अल्लाह ने कहा सा मा यहकुमून, बहुत बुरा फैसला है जो तुम करते हो, ये तुम्हारे फैसले अच्छे नहीं है। फिर सबीलिल्लाह में कोई चीज है वो तुम अपने बुजुर्गों के नाम पे दे देते हो, लेकिन बुजुर्गों के नाम पे जो चीज है वो कभी अल्लाह के नाम पे देते नहीं हो तुम। यस, और देखिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है। कैसा पता है,
जरा अपने ऊपर गौर करें, क्या आज इंसान ने भी अपनी जिंदगी के ऐसे हिस्से नहीं बना लिए? मेरा ये वक्त इसलिए ऐसा, ये मेरा माल इसके लिए, मेरा माल उसके लिए, इसके लिए। और आपको पता है कि देखिए जरा, जब इंसान का, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको, जो एक्सपीरियंस किया मैंने लोगों का, जब इंसान का हाथ तंग होता है ना, कौन सी चीजें रुकती है, कौन सा अमल रुकता है? फी सबीलिल्लाह का रुकता है, और अपने ऊपर जो इंसान खर्च करता है उसको कभी नहीं रोकता है, बल्कि अल्लाह के नाम पे रखे हुए पैसे भी इस्तेमाल कर लेता है। यस डेफिनेटली, क्योंकि देखिए कि आज इंसानों ने देखिए कि फॉर एग्जांपल, ये तो माल की बात नहीं कर रहे हैं, आप सेहत ले लें, आप टाइम ले लें, आपके टैलेंट को ले लें। आज सुना है लोगों को, ओहो दीन सीखने का, दीन का काम है, तो फ्री लोगों का काम है, हमारे पास टाइम नहीं है। आज इंसानों ने पता है आपको, दीन सीखना गोया के ऐसा गुमान कर लिया है कि जब हमारे पास कोई काम धंधा नहीं होगा, एकदम बेकार फजूल पड़े रहेंगे ना, जब हम दीन सीखेंगे। पता है आपको, लोगों से बोलते हुए मैंने सुना है, ये अफसोस होता है। देखिए अल्लाह को जरूरत नहीं है आपकी, मेरी और किसी की भी जरूरत नहीं है अल्लाह सुभान तआला को। ये हम करते हैं बज़ाहिर तो हम अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन फायदा बंदे का अपना खुद है इसके अंदर। अल्लाह का वादा है, जिस चीज से बरकत चाहते हो उसको मेरे रास्ते में लगा दो, बेहतरीन सेहत चाहते हो मेरे रास्ते में लगा दो, माल में इजाफा चाहते हो, बरकत चाहते हो मेरे रास्ते में माल लगा दो, तुम बेहतरीन अपना जो टैलेंट बढ़ाना चाहते हो मेरे रास्ते में लगा दो अपने टैलेंट को, वक्त में बरकत चाहते हो मेरे रास्ते में लगा दो। अल्लाह ताला तो खुद बोल रहे हैं, तबारक अल्लाजी, अल्लाह की जात कितनी बरकत वाली है। यस डेफिनेटली, इस किताब में बहुत बरकत है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये वो बरकत नहीं है जो इंसान सोचता है या इसको वजीफे का जरिया बना लेता है। कहने का मतलब ये है, ये किताब अपने आप में कैसे बरकत है, ये किताब अपने आप में बरकत ऐसी है कि आप अगर अल्लाह की किताब के लिए वक्त लगाओगे तो अल्लाह आपकी वक्त में बरकत दे देगा, फजूल चीजों से आपको बचा के रखेगा, बेकार कामों से आपको बचा कर रखेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके वक्त में, आपके सेहत में, आपके माल में बरकत हो जाएगी। ये कैलकुलेशन बड़ा जबरदस्त है, करके देखिए आप एक दफा इंशाल्लाह, ठीक है? तो ऐसे होता है, देखिए देखिए कभी भी आपको काम अगर देखे ना आप, तो देखिए अल्लाह के काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो जकात हो, चाहे वो समझिए कि हज का मामला हो, या कोई भी मामला है, दीन का छोटे से छोटा काम भी, फर्ज दर्जे का हो या सुन्नत दर्जे का हो या नफिल दर्जे का हो, इसको प्रायोरिटी दे पहले, इसको पहला रेफरेंस दे आप। दुनिया, आज हाल इंसान का ये है कि दुनिया के कामों को पहले रेफरेंस देते हैं और बाद में फिर देखिए कहाँ उसने इसको अहमियत दी। जब इसको अहमियत देगा जभी तो वो उसको कामयाबी मिलेगी ना। अल्लाह ताला वही समझा रहे हैं कि आज इस तरीके से, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुसलमानों ने देखिए कि जो दीन में नए नए काम निकाल रखे हैं, आज उनको देखिए कि अल्लाह के नाम पर खालिस खालिस अल्लाह के नाम पर अगर खर्च करने की दावत दी जाए तो कभी उनके जेब से पैसे नहीं निकलते। समझते ही नहीं कि ये भी अल्लाह के रास्ते का खर्च है, नहीं, और बेकार कामों में जब खर्च करना हो तो देखिए आप फिर गले के गले भर जाते हैं, फिर वो लोग जो है वो गली मोहल्ले में निकल निकल के जो इस तरीके से पैसे जमा करते हैं। तो देखिए आपके माल कहाँ लग रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान दें कि आपका माल जो इंसान लेके जा रहा है वो कहाँ लगा रहा है, सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही है, देखिए दीन से हट के इंसान को काम करना कर रहा है, और वो भी दीन का नाम लेकर उसमें बहुत सारे पैसे लगा देता है, लगाता है करोड़ों रुपए लगाता है। ऐसे ऐसे जगहों के हम नाम जानते हैं, आंख बंद करके इंसान वो पैसे फेंक कर आ जाता है वहां पर, बस दीन के नाम पर, कि हमारे बाबा जी कुछ हमारा बना सकते, बिगाड़ सकते, हमको कुछ अता कर सकते हैं। ऐसे न जाने कितनी मन घड़क या फिर धोखा दही वाली बातें होती हैं कि लोग जो है वो झांसे में आके कि हम तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हैं वलियों पीरों के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर। वही चीज अगर देखिए कि वो अल्लाह के रास्ते में दे तो कितना अल्लाह सुभान तआला उसके लिए आसानी करे। देखिए साइको इंसान की बयान की गई है, आप भी जरा अपने आसपास में गौर फिक्र किया करो। आप खालिस अल्लाह के नाम पे कभी किसी को लगाने के लिए कहो तो कैसा उसका हाथ तंग होता है, और बेकार की चीजों पे लगाने के लिए कहिए तो हजारों के लाखों निकल जाते उसके जेब से। बदबख्ती है इंसान की, ऐसे लोगों को मुशरिक कहा है अल्लाह ने।
क्योंकि ये शुरका के लिए निकाल लेते लेकिन अल्लाह के लिए नहीं निकालते। अफसोस, बहुत अफसोस की बात है। वो रब आपको जो गारंटी दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है, भाई 1 रुपया लगा दो मेरे रास्ते में, मैं तुम्हें 700 रुपये दूंगा, ये तो मिनिमम, मैक्सिमम का कोई हद ही नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह कितना देंगे। लेकिन देखिए यकीन की बात है, जिस बंदे को यकीन होता है वो 1 रुपया क्या, वो 1,000 लगा देता है अल्लाह के रास्ते में कि मेरे रब ने कहा है। अच्छा, उसको रिवॉर्ड की कोई लालच नहीं होती है, बस अल्लाह का हुक्म है इसलिए मुझे लगाना है। ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ लोग लाखों रुपए बैंक में देकर आ जाएंगे गारंटी के तौर पे, एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं। अच्छा, इन फ्यूचर पता भी नहीं है कि ये पैसे उनको रिटर्न मिलने या नहीं मिलने, ऐसे तो गारंटी दे देगा इंसान। हाँ जाओ भैया, आपकी गारंटी पेपर है, ऐसा वैसा नहीं दिया तो क्या करोगे। जो रब ताला इतना आपको यकीन के साथ इतनी श्योरिटी और गारंटी अल्लाह ताला अपनी इतनी खालिस किताब में दे रहे हैं, सच्ची किताब में दे रहे हैं कि भाई लगा दो मेरे रास्ते में, मैं दूंगा तुम्हें। फिर देखिए यकीन की कमी होती है, बज़ाहिर जो हम कहीं लगाते हैं ना वो दिख के आता है ना हमको। मैंने किसी चीज पर 100 रुपये लगाए तो दिख रहा है मुझे, भाई 100 रुपये का रिटर्न मुझे कुछ मिल गया यहाँ पर, लेकिन आखिरत का इंतजार जरा मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग तो नाउज बिल्ला, अरे क्या पता कयामत आएगी नहीं आएगी, आएगी तो पता नहीं अल्लाह ताला देंगे, नस्तग़फिरुल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, अल्लाह रहम करे। अब्बा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अब्बा मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अब्बा मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, आमीन। अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वसत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क कुशादा कर रखना। अब्बा मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे, आमीन या रब्बी। अब्बा जो रिस्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता करना, और मुझे हर गायब होने वाली चीज का बदला भलाई के साथ अता करना, आमीन या रब्बल आलमीन। अब्बा कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अब्बा इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे, इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.